देखो, मस्त लग रहा है भाई। देखो क्या निकल रहा है, सारा मिट्टी बह रहा है यहाँ पे, पूरा येलो येलो हो गया एकदम। तू अगर मेरे को हरा दिया तो कोई तो टी शर्ट मेरे तरफ से। ये चेक करो। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत करता हूं आपके एक और नई वीडियो में। तो गाइज निकल रहे हैं हम लोग राइड करने के लिए। ये चेक करो गाइज, यहां पे अपने वुल्फ, आज वुल्फ चलाने वाले हैं। और भाई सुबह से कोई भी बारिश नहीं था और अभी राइड के समय पर भाई बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आसनसोल साइड इससे पहले ही बारिश हो गई है, इधर अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मतलब उधर सुजल से मेरा बात हुआ बोला कि इधर बारिश हो रहा है, तो इधर तो अभी नहीं हो रहा लेकिन थोड़ी देर बाद स्टार्ट भी हो जाएगा इधर। खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज बारिश होगा, भीग के राइड करेंगे, मजा आने वाला है। बस भीगना है, राइड करना है, कोई मुश्किल है, बस तबीयत खराब ना हो और कुछ नहीं चाहिए। ये चक्रो गाइस अपने ब्लॉग की पहली व्हीली। एक तो फ्लाई बाय चाहिए। पिछले साल भाई मत पूछो, इतना ज़्यादा ही हम लोग बारिश का सामना किए थे ना, हर दिन निकलते थे, हर दिन बारिश, हर दिन कीचड़ कीचड़ होकर घर आते थे, तो अलग ही सीन था भाई। मतलब घर में डांट वाट सब पड़ता था हर दिन। ये भाई हल्की हल्की बारिश होने लगी थी। यहाँ पे भाई अपना एक स्कूल फ्रेंड और यहाँ पे अपने सारे बंदे लोग, भाई लोग आ चुके हैं और वेट हो रहा है भाई पीयूष का। और यहाँ से हम लोग जाएंगे इधर राइड करने के लिए। लेकिन अपना जो भाई है, यहाँ पे दुकान है, भाई की दुकान पे आ गया, बहुत सारा टी शर्ट है, जो उठाना उठा लो शांति से, ठीक है, अपना ही दुकान है। छीटे वगैरह खाते खाते आया, देखो नहीं बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। सबको पीछे छीटा पड़ता है, आगे पड़ रहा है, बता तेरा मरीन चोरी हो जाएगा, किधर गया? तो व्हाइट व्हाइट साइकिल रोड पे लगा दिया है। अरे कोई नहीं लेके जाएगा, सौ का देके छोड़ दे। बोला तो डुप्लीकेट बनी रही, महीने सस्पेंशन तो सस्ता वाला लगा हुआ है। मैं साइकिल अंदर में, साइकिल अच्छा है कि खराब है कुछ बोला नहीं। इधर टोपी बाजी की है तो बताएंगे हम, आज इसका साइकिल दिखाते हैं क्या घपला किया है ये। अभी भागेगा, अभी बोल रहे हैं भागेगा वो। आइए आइए, कितने का ये टी शर्ट है? 350 का है ये पर पीस। और इसमें भी डिस्काउंट होने का चांस है क्या? इसमें हाँ, आपके नाम के थ्रू आएगा तो कुछ कर दूंगा। इसमें भी कुछ डिस्काउंट हो जाएगा, 350 का है। सब ओवर साइज टी शर्ट है जैसे हम लोग पहनते हैं। बोल करके आना पड़ेगा। यहाँ पे लग गया गोलू वर्सेस सुजल। तू अगर मेरे को हरा दिया तो कोई तो टी शर्ट मेरे तरफ से। चीटिंग हो रहा है, चीटिंग। चल हाथ पे, मेरे को ऐसा कोई ऑफर देता है ना तो भाई मैं तो जी जान लगा देता, इसलिए नहीं हुआ। ये सब कितने करके पीस आ जाएगा? 650 करके, मतलब उतना माउस कट वगैरह नहीं, सिंपल है, जो सिंपल पहनते हैं भाई वो लोग के लिए है। हाँ जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा, 650 में। पीयूष येलो टी शर्ट ले लो, कहाँ येलो टी शर्ट ले लो। अच्छा लग रहा? हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। पीछे से नाप दिया तो साइज अटक रहा है कि नहीं? अरे पहन के देख लो भाई। हाँ ले पहन के देख। अच्छा बॉडी बॉडी। ये चेक करो, तेरा पर कोई टीशर्ट शरीर लग रही है? ठीक लग रहा है, लीचर घुमा तो घुमा। बारिश वारिश हो गया भाई अभी, मतलब अभी हल्का हल्का छूटा है। तो फाइनली गाइज अपनी शॉपिंग डन हो चुकी है भाई। इधर कैसे दिखाएं आप लोगों, देखो सबको एकदम रेडी है। जो जो लिया, पीयूष लिया शर्ट, सुजल लिया टी शर्ट, भाई लिया बुल बुल, ठीक हो गया, ये भी लिया टी शर्ट, मैं लिया हूँ पैंट, इसलिए पहना नहीं हूँ भाई नॉर्मल। पैंट नीचे पहना है, ये वाला जींस लिया हूँ मैं, सिक्स पॉकेट वाला। दुकान कहाँ पे ये बता दीजिए आप? काली पहाड़ी में, और ग्रामीण बैंक के अपोजिट में है। तो जिसको भी आना है एक बार देख लेना, जो भी अपने सब्सक्राइबर्स भाई लोग है ना, एक बार यहाँ पे विजिट करना। तुम लोग बनेगा हीरो, तुम लोग कपड़ा हम ढोएंगे, बैग लेने के लिए तैयार है ना तुम लोग? कहाँ रखेगा? नहीं बैग टांगना होगा थोड़ा थोड़ा देर में सबको, पहचान भी नहीं आ रहा। ओ भाई मैं यही बोल रहा था, देखो क्या भाई फॉक्स लिखवा दिया यहाँ पे। इसका अगर सस्पेंशन की रेट बताऊँ ना तो भाई लाखों लाखों में रहते हैं। और भाई ये 73 से स्टार्टिंग होता है, 73,000 स्टार्ट होता है यहाँ, फॉक्स लिखवा दिया, मस्त, कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। गजब टोपी वाजो यार, हाँ अच्छा लग रहा है। दुकान यहाँ पे है और यहाँ पे है ग्रामीण बैंक, इसका अपोजिट में है। तो आप लोग विजिट करिएगा, लेना ना लेना आप लोग के ऊपर है, एक बार विजिट करिएगा, कलेक्शन वगैरह देखिए, कुछ समझ में आएगा तो। अरे भाई बारिश है ना, ये पूरा महीना बारिश दिखा रहा है, मतलब बारिश बारिश रहेगा मौसम तो फिर समझ रहे हो ऐसे ही राइड होने वाला, भीग भीग के हम लोग का। अभी गिरेगा तो चोट लगेगा, गिर के देखो एक बार।
ठीक है आप बोल रहे थे। आजा थोड़ा सा, अगर बारिश नहीं होता तो हम लोग सही टाइम पर निकल जाते हैं। भाई इतना मस्त लंबा रोड है ना ये वाला, अच्छा जगह पर निकलते हम लोग, बगल से ट्रेन पार हो रहा है। ए ए कटिंग मार रहे हैं। इसलिए बोलते हैं हाइड्रोलिक लगा साइकिल में। देखो भाई इधर भी सब्सक्राइबर्स भाई लोग मिल गए। जाइए अंकल जाइए जाइए, हम लोग घुमा रहे थे, मिस्टेक हो गया आपका गाड़ी बंद हो गया, चार नंबर में था। वीडियो देखते हो? विली मार के दिखा दे रहे हैं। हम लोग ऑफ रोडिंग करने का मन कर रहा है इसलिए टायर गंदा करने के लिए आ गए हम लोग। टायर स्लिप हो रहा है भाई एक जगह पे। सुजल हिसाब से तुम उतार दो मान जाएंगे तुमको। अरे तुम ये नहीं, अरे वरे कुछ नहीं, साइकिल नहीं धसेगा, पार हो जाएगा आज। कैसा था? अच्छा था। ये फॉक्स सस्पेंशन लगाया है, तुम ये सब काम नहीं करेगा तो कहला लगवाया सो के लिए, लिए। हवाबाजी कर रहा है खाली। हम सोचे रोलिंग मारेंगे, टायर स्लिप हो गया पूरा, कपड़ा भी गंदा हो गया भाई। एक नंबर बहुत अच्छा, आ जाओ। ये देख बर्नआउट हो रहा है। ठीक हो? फैट बाइक का डर लग रहा है। देखो ट्रेन पार हो रहा है यहाँ पे, ऑफ रोडिंग का मजा ले रहा है। पंक्चर हो जाएगा यहाँ पे, आगे पंक्चर बना है। फ्यूज लगा ले चक्का में लाइट, देखो मस्त लग रहा है। हाँ अच्छा लग रहा है। फाइनली गाइस बहुत ज़्यादा घूमते हुए भाई हम लोग आ चुके हैं वापस हाईवे पे, अब बहुत ही इधर निकले हम लोग। अब भाई थोड़ा सा रेस्ट करना होगा क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बहुत ज़्यादा साइकिलिंग करना पड़ेगी हम लोग को। मस्त दिख रहा लाइट लेकिन, एक नंबर ये भी किया। कहाँ बाबू कहाँ जा रहा है? स्पीड में विली मारने का बात ही अलग है भाई। साइकिल में इतना मिट्टी है ना, साइकिल हम लोग का भारी हो चुका है। आ चुके घर के पास। यहाँ पे भाई यहाँ पे वॉशिंग सेंटर है और यहाँ का प्रेशर भी काफ़ी अच्छा है तो इसलिए यहीं पे साइकिल वॉश करवा रहे हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर है ना भाई, कहीं छूने की जरूरत नहीं, इतना प्रेशर मारेगा कि सारा मिट्टी एक बार में निकल जाएगा। साइकिल का हालत देखो भाई, उसमें समय बहुत मिट्टी झड़ गया भाई। देखो पैडल देखो यहाँ पर मिट्टी जमा हुआ है और भाई यहाँ सबका साइकिल गंदा है भाई। अपने वाइपर देखो भाई क्या हाल है यहाँ पे देखो, डिस्प्ले वगैरह सब में लग गया है, पैडल वगैरह पूरा गंदा हो चुका है। अभी साइकिल साफ होगा तो मस्त लगेगा भाई, अपने से साइकिल धोने का मजा ही अलग है। देखो वाह 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 क्या प्रेशर है भाई। तो फाइनली गाइस यहाँ पे भाई अपनी वाइपर मस्त वॉश हो चुकी है और इसको भाई सुला दिया ताकि पानी वगैरह सारा आराम से निकल जाए। जितना साइकिल गंदा किया है उतना भाई हम लोग वॉश भी कर दिए बढ़िया से और यहाँ पे फ्यूज अभी वॉश कर रहे हैं। बाइक पैडल घूम रहा भाई, भाई देखो क्या निकल रहा है, सारा मिट्टी बह रहा है यहाँ पे, पूरा येलो हो गया एकदम। तो भाई का भी थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं, यहाँ पे हम लोग वॉश करा रहे हैं अलिशबा कार वॉश, ठीक है? तो यहाँ पे अगर किसी को साइकिल वगैरह बाइक वाइक वॉश कराना तो यहाँ पे आ जाना भाई, क्योंकि घर के पास है भाई। अपना काम है क्या, सबको सपोर्ट करते हुए चलो, ऐसा नहीं क्या भाई कुछ मिलेगा कुछ तभी कुछ करना है, ऐसा नहीं भाई, सपोर्ट करते हुए चलो। बस बंदा जन बहुत लोग साइकिल वॉश करने नहीं देते, अब अपना मशीन दे दिया हम लोग को, रील वगैरह बनवाना था अपना मशीन दे दिया, बोलो लोग खुद से वॉश करना चाहते हो खुद से कर लो। भाई फ्यूज बोल रहा है मेरा साइकिल पैडल ही फ्री हो गया, इधर का तो पूरा स्पिनर वाला काम कर रही। वाह 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 वाह।
साइकिल चमचमाती है। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अभी घर। ये चेक करो गाइस बंदे लोग का हालत, ये घर में पूछेंगे क्या करके आया है भाई। जूता का हालत देखो, ऐसा ऐसा हाल हो चुका है भाई। साइकिल तो हम लोग का वॉश हो चुका है, एकदम चमचम हो चुका है, लेकिन हम लोग का हालत खराब हो चुका है, पूरा गंदा हो गया, लग रहा है नहाना वाना पड़ेगा। फिलहाल पहुंच चुके घर, बहुत ही मजा आया आज का राइड करके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग में काफी ज्यादा मजा आया होगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो पता ही क्या करना है, तो गाइज मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल, बाय।